खरीद व्यापार सीधा कहते हैं कि आप खरीद कर दो, तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि धीरे धीरे किसान जो बड़े व्यापारी हैं उनके गोदामों पे खुद जाना शुरू कर रहे हैं और हमको मेंबरशिप के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जैसे संघ के लोग जोड़ रहे हैं वो भी तो यही करें। अगर आप लोग सर 2 रुपया 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे दिए तो आपका फलिता बांट देंगे। आपने किए थे हमारी मीटिंग है न्यूज माओ, अपने घर से 10 रोटी ले जाओ, जो हमारे फार्मूले थे सारे छीन लिए उन्होंने। हम जो भंडारे में कहते थे, जब भी बड़े बड़े आंदोलन जहां पर चले तो टिकैत साहब कहते थे कि हर घर से 10 रोटी बनवा कर जाओ। अगर 10 रोटी बढ़ेगी, महिलाएं बढ़ेगी तो उनको पता रहेगा कि आज रोहतक में मीटिंग है और वहां पर 10 रोटी जानी हुई, तो महिलाओं को पता रहेगा हमें 10 बार ऐसे करेगी तो एक माला होगी, 10 रोटी में एक माला होगी, स्मार्ट होगी, तो जाप हो गया पूरा यूनियन का, किसान संगठन का जाप हो गया आपके घर में ही, पता भी नहीं चला, उसके याद रहेगा। साथियों, मेरी बहने, आज ये जो प्रोग्राम रखा यूथ का, क्योंकि युवा खास करके हरियाणा का बहुत क्रांतिकारी युवा है और इससे 13 महीने आंदोलन करवाना, क्योंकि हरियाणा तो ये थाने से भाई ये तो 5-6 दिन में कर देता है, जो भी तरह का 5-6 दिन से ज्यादा चलाता ही नहीं, तो इन्होंने बहुत चीजें सीखी। और जैसे संयुक्त मोर्चे ने कहा हरियाणा के लोग उस पैटर्न पर चले, युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही हरियाणा में, वो चाहे वहां पे लंगर की व्यवस्था कर रही हो या यहां से सीध लस्सी और दूध भिजवाना हो, गांव से चंदा इकट्ठा करके उसका सामान वहां पे भिजवाना हो, तो 13 महीने आंदोलन ऐसे ही चलता है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। पंजाब के लोग भी जब पूरा यह हो गया कि हरियाणा हमारे साथ में खड़ा हुआ है और खास करके हरियाणा की खाप पंचायतें जिन्होंने बीच में कुछ लोगों ने चलाई कि खाप पंचायतों को अपनी कमेटी में शामिल क्यों नहीं करते, लेकिन खाप पंचायत ने कहा कि नहीं, कमेटी भी वही रहेगी जो एक बार चुन दी, और संयुक्त मोर्चा ही उसका मेंबर है, हम पूरी सपोर्ट उनकी करेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो बड़ा योगदान खाप पंचायत का रहा और हर कदम कदम पे खाप पंचायत खड़ी रही, अपने टैंक लगाए, अपनी व्यवस्था अपने आप करते रहे, अपना नाम के हमारी ये खाप है हमारी ये है अपना परिचय वहां पे देते रहे। एक जैसे खाप की कुश्ती होती थी पहले कंपटीशन की, ऐसे कंपटीशन मोर्चे पर आज सरकार उसी से घबराई और आज भी सरकार को यह है कि अगर कोई भी गड़बड़ करी तो हरियाणा पंजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये खड़ा हुआ है। आज भी सरकार से पूरी ताकत के साथ में ये लोग खड़े, नहीं तो सरकार तो अब तक की बहुत पुलिस लेकर आ जाती। अभी भी जैसे आपके यहां पे भी इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला और उसके बाद में भी मंडियां बंद कर रहे, खरीद व्यापारी सीधा कहते हैं कि आप खरीद कर दो, तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि धीरे धीरे किसान जो बड़े व्यापारी हैं उनके गोदामों पे खुद जाना शुरू कर रहे हैं, मंडियां सिस्टम खत्म हो जाए, जैसे बिहार में पूरा मंडी सेक्टर 17 साल 18 साल पहले खत्म कर दिया, जो वहां के मजदूर आते हैं उसको मजदूर कहते हैं, वहां के किसान है, यही हाल ये पूरे देश में बनाना चाहते हैं। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी ये जो यहां पे जो लोग आ रहे हैं आज बुलाए क्यों, यूथ बुलाए थे लेकिन जो गुजरवाल है उन्होंने कहा पे नहीं बिल्डिंग हो रही तो हम भी चले, तो ये उमा है
ये लगत है अपने काम के प्रति, अपनी छिनती हुई जमीन इन किसानों को दिखाई दे रही है। आज आप देखोगे कि सड़क के नजदीक की जमीन किसान के पास नहीं बची, सब बिक गई। और बड़ा षड्यंत्र है आपकी जमीन छीनने का। बड़े व्यापारी ने शहर में बैठे लोगों ने आपकी सड़क के नजदीक की सब जमीन खरीद ली, उस पर दीवारें कर ले, रास्ता आपका अंदर जो सेक्टर है वो 7-8 फुट का है, उसके बराबर में दीवार कर दी, पीछे खेत में आप लेकर कुछ जा ही नहीं सकते, पिछले वाला सस्ता देगा, ये प्लान रहती है। अपनी जमीनों को भी बचाना है, अपने फसलों को भी बचाना है। जैसे अभी बरसात हुई 2-3 दिन, तो बरसात में बहुत बुरी तरह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, वो धान की फसलें हो, वो बाजरे की फसलें हो, जो फसलें पक के कटाई पे नीचे जमीन में आ गई थी वो फसल गड़ गई, वो खत्म होगी। बीमा कंपनी किसान के खाते में पैसे वापसी भेज रही है। भाई बीमा कहीं क्या होता है? बीमा यही को कि नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करे, या ऐसा भी होगा कि बीमे के पैसे ले लिए, नुकसान हुआ तो कोई पैसे उसके वापसी दे रहे हैं? सरकारें हमारा पैसा जो नुकसान हुआ उसकी पूरी मपाई तुलाई करवा दे किसानों से, अपने पटवारी अधिकारी वहां पे भेजे जी किसान का नुकसान हुआ। आज भी खेतों में पानी खड़ा हुआ है, उसका जो भी मुआवजा बैठता हो वो किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करे। नहीं तो फिर आंदोलन होंगे, सरकार फिर कहेगी ये तो आंदोलन करते रहते हैं 24 घंटे। पहले सूखे ने किसानों को मारा और ये 3 दिन की बरसात में मार दिया, और ये यहां नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में ये है, बारिश से नुकसान हुआ। गन्ने का किसान भी था, नीचे गिर गया तो उसकी जो बधाई पढ़ाई होगी तो लेबर कोस्ट पड़ जाती है। धान का किसान बहुत खत्म हुआ क्योंकि नीचे गिर गया, पका हुआ धान था। यही बाजरे का हाल है, तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा यह कि आज की चीज पे हमारा है कि यूथ को आगे आना पड़ेगा। यूथ संगठन में रहेगा तो उसकी उम्र 40 साल, ये बाथरूम मैन बॉडी में आ जाएगा। हम कमेटी का गठन करेंगे, 10 रुपए की मेंबरशिप। यहां पे पहले भी लोग यहां पे आए, हमने सबको रोका कि अपना एक गांव का धन गांव में रखना, 10 रुपए। ये नहीं कि एक आदमी को ये बुक दे दी, इसमें 25 बुक है, उसने 250 रुपए जमा कर दिया, नाम लिख दे अपने जानने वालों को कि क्यों काम वहां किसी से ले तो 250 रुपए जमा करते हैं। अगर कहते जी मैं तो 25 बने देना, आप अपने घर से पड़ोसी से आपके घर के मेंबरों का दूसरा कोई आदमी इकट्ठा कर उससे 10 रुपए लेने हैं। जब वो 10 रुपए दे देगा तो आप पक्का मान लेना कि ये हमारा मेंबर है, और अगर ये रसीद वो लेकर वो 10 रुपए ये कह रही ना मैं तो देता नहीं जी, तो ये समझ लेने कि ये आपका मेंबर है ही नहीं, ये किसान संगठन में काम नहीं करना चाहता, उसको ये रसीद दो, उससे 10 रुपए लेने, ज्यादा भी नहीं लेने इसके। देखो इसमें यहाँ हरियाणा वाले बहुत दानदाता है, इसमें 1000 रुपए भी भरते, 1000 नहीं चाहिए, 10 रुपए चाहिए। महिलाओं से भी लो, उसके घर में जितने भी आदमी सबसे 10-10 रुपए, तो उसको पता रहे कि मैं किसान संगठन का मेंबर हूं। ये जैसे ही कोई 25 मेंबर बना देगा तो ये लास्ट की एक जो रसीद है ये सक्रिय मेंबर की है, जो 25 बनाओगे वो एक अभी अपने पास बरतेगा, तो जो भी पदाधिकारी कोई बनेगा जिसके पास में ये 25 वाली होगी वो ही बनेगा। पंजाब में तो चुनाव करवाते थे, जिलाध्यक्ष का चुनाव करवाते थे, वहां पर देखते हैं कि जिलाध्यक्ष के लिए कई कैंडिडेट है कि 5 है कि अगर रसीदे दे दो 5 को, एक तो मेंबरशिप बढ़ेगी, लोग जुड़ गए और 800-2000 रसीदे कट गई, 2000 सक्रिय मेंबर हो गए, उनका चुनाव करवा दिया, वोट डाल दो भाई किसी को डाल दिया।
लेकिन ओरिजिनल जेन्युइन उसका पता हो, गांव का भी पता हो, उसका टेलीफोन नंबर हो, उस आदमी पूछ सके तू किसने मेंबर बनाया। क्योंकि जब मेंबर बनेगा तो वही लोग आंदोलन में आएंगे। आप फर्जी बना कर दोगे इसमें तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो आंदोलन में आएगा नहीं। बड़ी जरूरत है अब आंदोलन की, और हमको मेंबरशिप के माध्यम से जोड़ना, जैसे संघ के लोग जोड़ रहे हैं वो भी तो यही करें। अगर आपने उसे 2 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे दिए तो आपका फजीता बांट देते। आपने किए थी हमारी मीटिंग है, सुनाओ अपने घर से 10 रोटी ले जाओ, जो हमारे फार्मूले थे सारे छीन लिए उन्होंने। हम जो भंडारे में कहते थे, जब भी बड़े बड़े आंदोलन जहां पर चले तो टिकैत साहब कहते थे कि हर घर से 10 रोटी बनवा कर जाओ। अगर 10 रोटी बढ़ेगी, महिलाएं बढ़ेगी, तो उनको पता रहेगा कि आज रोहतक में मीटिंग है और वहां पर 10 रोटी जानी हुई, तो महिलाओं को पता रहेगा हमें 10 बार ऐसे करेगी तो एक माला होगी, 10 रोटी में एक माला होगी, एक स्मार्ट मोदी की तो जाप हो गया पूरा यूनियन का, किसान संगठन का जाप हो गया आपके घर में ही, पता भी नहीं चला, उसके याद रहेगा। और यहाँ पे किसी ने भंडारा चला दिया, घर से कुछ आए ना, हम घर वालों को बताते अगर हम कहां जा रहे। ये चर्चा रहनी चाहिए आंदोलन की, जब चर्चा होगी ये जब ही इसका बेनिफिट होगा। ये वैचारिक क्रांति होगी, अब दुनिया में जो भी क्रांति होगी वो वैचारिक क्रांति होगी, विचार से उत्पन्न होने वाली क्रांति। जैसे अभी सब लोगों के बीच में बताया कि MSP सरकार ने नहीं दी, तो सबके विचार में है ये। अभी बहुत पत्रकार पूछते हैं कि हासिल क्या हुआ। हाँ हासिल तो हुआ भाई, देश का प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जब भाषण देता है तो किसान का नाम लेता है, हासिल हुआ हमको। उनके दिमाग से किसान शब्द नहीं निकला, हासिल हुआ हमको। वे भूलेंगे नहीं किसान को, ना किसान आंदोलन को भूलेंगे। वे हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारे जो शहीद हुए हैं उनका नाम नहीं ले रहे, मैं हमें भी पता, लेकिन उनके दिमाग में किसान है, देश का मजदूर है, देश का आदिवासी है, महिलाएं हैं। ये दिल्ली का आंदोलन उनके जहन में है। और आपके MSP स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये आम लोगों को पता है कि भाई MSP मिलनी चाहिए। जिस दिन MSP मिल जाएगी उस दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि धान 24 क्विंटल ही तुलाई होगी, बाजरा 18 होगा या 22 होगा ना। जब एक कानून बन गया कि MSP से नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा, तो ले जाएगा, उससे नीचे पे खरीद होगी नहीं, 2100 रुपए से कम पे बाजरा टिकेगा नहीं, सबको पता है। अगर किसी को व्यापारी को खरीदना है तो MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगा। सरकार इसलिए नहीं करती कि इनके जो बड़े व्यापारी दोस्त हैं उनको फायदा कैसे होगा। उनको फायदा जब भी तो होगा कि बिहार में धान 800 रुपए जब बिकेगा, ये जो सेलर्स वाले हैं, जो बड़े बड़े कंपनी है बिहार से खरीदते हैं 800 और 1000 रुपए में, मसूर खरीद रहे वहां से 1600-1800 रुपए क्विंटल, मक्का खरीद रहे वहां पे 1000-1100 रुपया, गेहूं 1400 रुपया, तो कैसे बच जाएगा किसान। यही आपके यहां पे है बाजरे का हाल यही रहेगा, यही गेहूं का है। अब क्या कहते हैं कि गेहूं का ठीक रहा भाई, गेहूं का आपको उससे ठीक नहीं रहा, प्राकृतिक के उससे गेहूं 20% कम हुआ, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ उससे गेहूं की पैदावार कम हुई, और उससे आप कह रहे कि रेट अपना ठीक रहा। आप अपने संगठन का ध्यान दो, अपने जो लीडर हैं आपके आप उनका ध्यान दो, हमारे जो बुजुर्गवार है काम में उनसे सलाम मशवरा करो, और जो खासकर का यूथ है अपने खेत में भी काम करो। आज से 25 साल बाद में जिसने जमीन रोक ली उसको ये आंदोलन करने की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या तो वो जमीन को बेच जाएगा, अगर बचेगी तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो भी दिक्कत है ये 10-15-20 साल है, समस्या जनसंख्या देश की बढ़ जाएगी, जमीन ने कुछ अपना बेच देंगे, जमीन बेच के जिसको गाड़ी खरीदने का शौक पड़ेगा, मकान बनाने का शौक पड़ेगा वो बेचेगा।
महंगी जमीन को किसान बेचता है, सस्ती जमीन को किसान खरीदता है। महंगी जमीन को अगर एक किला बेच दो मौज देंगे, पाड़े लो नहीं पता कि अगर ये जमीन ने आपके बाप दादा पड़पापा बेच कर चले जाते तो आप क्या करते? तो जमीनों को अपनी सुरक्षित रखो, इसको बेचो मत। यही बचे कि और कुछ नहीं बचना आने वाले टाइम। पशुधन कैसे हमारा खत्म हुआ, हमारे आंखों के सामने खत्म हो गया। जैसे कोरोना एक बीमारी आई, पता भी नहीं चला, दिखाई नहीं दी, ऐसे ही लंबी जो बीमारी आ रही, हमारा दूध का उत्पादन कम होगा। और ये ऐसा भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये वायरस छोटा हुआ पाएगा जिससे देश में दूध का उत्पादन कम हो। जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे दूध का व्यापार करना चाहती है, उनका या सरकार का किसी का षड्यंत्र तो नहीं है? मतलब लाखों पशु हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में सारी गाय हमारी मर रही है, तो प्रोडक्शन तो कम होगा। क्योंकि भारत सरकार समझौता करना चाहती है बाहर से, और उन्होंने कहा कि हम जो बाहर की कंपनियां हैं कि हम 22 रुपया लीटर दूध गांव में बेच देंगे। अगर वे 22 रुपया लीटर दूध गांव में बेचेंगे तो दूध के पशु का क्या होगा? यहाँ का जो पूरा हरियाणा की जो इकोनॉमिक स्थिति है पूरा पशु पे आधारित है, यहाँ के पशु का क्या होगा? हरियाणा से अगर पशु को निकालते तो हरियाणा को आता हो जाएगा इकोनॉमिक। तो ये एक बड़ी साजिश है। ऐसे ही बीच का एक, हम अभी 7 दिन दिल्ली में रहे तो 149 देशों के लोग वहां पर थे। बीज पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर पूरी बहस ये थी कि इन बीजों का जो बचे हुए बीज हैं, करीब 3.5 लाख से ज्यादा है बीज हमारे पास में, धान की वेराइटियां हैं जो सुरक्षित अभी भी है। बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं, खास करके ज्यादातर आदिवासी लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कंपनी के सब बीज आ गए, तो कंपनी का यह है कि खास करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो बड़े विकसित देश हैं, ये जो बीज रखे हुए हैं इनका आदान प्रदान कर दो, हमारा इस पर अधिकार हो। हमने कहा कि जिस देश के जो बीज है अधिकार उसमें रहना चाहिए, हम भी उसमें साथ दे रहे हैं। तो बड़ी बहस अब चल रही है, तो बहुत से इशू आने वाले हैं आपके सामने, उसके लिए संगठित होना जरूरी है, कमेटी बनानी जरूरी है। आपको गांव गांव कमेटियां आपकी पड़ेगी, प्रदेश स्तर पर कमेटियां रहेगी, देश स्तर पर रहेगी, और जहां पे भी आंदोलन होंगे वहां पे चले। एक आदमी एक दिन चला जाओ, बाबू मैं ट्रैक्टर की तरह है, साल भर में एक दिन जरूरत पड़ती है एक ट्रैक्टर की, ये पूरी पॉलिसी बना दो। भाई आपका ट्रैक्टर एक दिन चाहिए बस, हमको बता देंगे जिस दिन जरूरत जहां होगी तो उसमें से ही काम चल जाएगा, ना सब ट्रैक्टर जाते ना सारे आदमी कहीं जाते। लेकिन मेंबरशिप से आप इसको जोड़ोगे 10 रुपए वाली से, और जितना भी फिर जो 10 रुपए आप जुड़ गए आपको फिर गल्ला देना है, आपको 100 रुपए देना है, आपको 1000 रुपए देना है, अपनी गांव की कमेटी को दो, गांव का धन फिर आप गांव में रखो पूरा, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है। हमने जब आंदोलन चला उस टाइम पे भी हमने बताया कि अपने गांव का धन किसी भी पहाड़ी आदमी को मत दो, गांव का धन गांव में। तो इन सब चीजों पर आप काम करोगे और यूथ आगे बढ़ेगा, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, युवा हैं, इन सबको आप आंदोलन के माध्यम से, अपनी खेती बाड़ी के माध्यम से, आपस में लड़ाई झगड़े गांवों में हो रहे तो उनके फैसले कर लो, नशा पत्ती आप कितने लोग छोड़ सकते हो वो, इन सब चीजों पर काम करें। और जो 11 पगड़ियों का जो कॉन्सेप्ट चला रहा है, 11 पगड़ी ये नहीं है जो मंच पे रहेगी उनको ही आप दोगे, जो भी पगड़ी फिर सर से ना उतारे वो चाहे 60 साल की उम्र हो या उसकी कम की भी हो, ये नहीं है सम्मान के लिए यहाँ पैर जाके उतार दी। हाँ जो भी आपको दी जाए आप अपने हिसाब से कलर, आप अपना जो भी आपको ठीक लगे, सफेद लग रहा, पीला लग रहा, हरा लग रहा, जो भी आप पहन सकते हो उसको पहनो, लेकिन ये पगड़ी की परंपरा है हमको डालनी पड़ेगी, ये धीरे धीरे छूटेगी। अगर हरियाणा छोड़ देगा तो यूपी ने तो आज से 40 साल पहले छोड़ दी,
वहां तो टोपी आ रही होगी, धीरे धीरे गायब होगी, वहां पर भी हमने शुरू करवाया है। वहां टोपी या पगड़ी, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ज्यादा, उनको पगड़ी पहनानी शुरू करी है वहां पर, और जितने भी हैं उनको मगर टोपी ओटो या पगड़ी सिर्फ खुला नहीं रहेगा। तो एक अभियान चला रखा, तो ये अभियान यहाँ का आज हमको ठीक दिख रहे कि पगड़ी या सिर पर चादर लपेट के बहुत लोग यहाँ पे हैं। ये परंपराएं बढ़नी चाहिए और इसी से ही किसान से लगते हैं, जब पगड़ी सिर पर रहती है कुछ बांध लगते हैं तो दूसरे लोग भी सम्मान हमारा करते हैं। और हमारा तो भाई अब आना जाना सिखों के साधन में है, पंजाब में आना जाना है, बुधवार में आना जाना है, फिर कहीं से बोलेगा फिर सिर पर डबोगे तो ऐसा झंझट पाड़ो, इसको अपना परमानेंट ही बांध दो, बांध लो कोई कैसी जैसी जिसको बनती हो, हमारे तो दूसरी नहीं बनती, हम अपने से बांध लें तो बांध चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी का, रवि आजाद सर का, इनकी पूरी कमेटी हमारी पहले सभा, इसका धन्यवाद, जितने भी बुजुर्ग वाला गए इनका, और जो धर्मशाला बनाई, ये तो महल बना रखा, धर्मशाला थोड़ा है, महल बनाया है। तो इन दानदाताओं का, जो यहाँ की कमेटी है उसका भी धन्यवाद, और जो अध्यक्ष है धर्मशाला के भाई, अगर वो बांधनी रहेंगे परमानेंट पगड़ी तो देखिए दूसरे लोग भी बांध देंगे, अगर वही ये सीधे कि भाई बाढ़ पाने हैं विजय स्वामा की उम्र कुछ नहीं करना, अभी लड़कों को करने दो या बच्चों को करने दो, अब आपकी उम्र होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।